नॉलेज इन करिकुलम, हम लोग बात कर रहे थे करिकुलम के बारे में। करिकुलम डेवलपमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं या कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले है हमारा क्या है, पूर्व परीक्षण और उत्तरोत्तर परीक्षण, यानी कि प्री पोस्ट एंड प्री पोस्ट हो गया, प्रोग्राम हो गया प्री पोस्ट यानी कि पूर्व हो गया, और दूसरा हो गया हमारा पोस्ट यानी बाद में। तो इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम को लागू किए जाने से पूर्व, यानी कि हमने पाठ्यक्रम को अभी क्या है अप्लाई नहीं किया है, उसको लागू किए जाने से पहले विद्यार्थियों पर उसका परीक्षण किया जाता है, जिसे पाठ्यक्रम लागू करना कहा जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पूर्व परीक्षण उसको बोलते हैं, कि पहले हमने करिकुलम बना लिया, उसको बच्चों के ऊपर अप्लाई कर दिया, फिर इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि उनके मस्तिष्क में इसके लिए क्या चल रहा है, यानी कि किस तरह से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। फिर क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अगर ठीक चलती रहती है तो इसको जो है अप्लाई कर दिया जाता है, और क्या करते हैं, और जिससे कि हम अच्छे से इसका मूल्यांकन कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये बच्चों के लिए कितना बेनिफिट है, बच्चे इससे कितना लर्न कर रहे हैं। और उत्तरोत्तर परीक्षण के अंदर क्या होता है कि इस दौरान क्या है, अधिगम कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात दिया जाता है। दोनों परीक्षण के मध्य अंतर क्या होता है, परिवर्तन को प्रकट करता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को शो किया जाता है। यदि अंतर महत्वपूर्ण होता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पाठ्यक्रम सर्वथा उचित है, और जो है दोनों के अंतर को देखकर जो भी पाठ्यक्रम प्रभावशाली और प्रभावशाली होता है, अच्छा होता है, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और जो उत्तम नहीं होता उसे हटा लिया जाता है। इस प्रकार इसे पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन करना कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, जिसके दौरान हम लोग क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम को अप्लाई किया जाता है, यानी कि पूर्व परीक्षण परीक्षण से पहले बच्चों के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, बच्चों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते बता देती है। तो इसके ऊपर फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे में क्या होता है कि बाद में उनका टेस्ट मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से जो भी बेनिफिट होता है उसको जो है अप्लाई कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा नॉर्म्स रेफरेंस्ड टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि इसमें कुछ नियम और सिद्धांतों को, चाहे कुछ नियम हो प्रिंसिपल्स कह लीजिए या कुछ सिद्धांत कह लीजिए, उन पर जो है पाठ्यक्रम उन सिद्धांतों को प्रकाश मिलाया जाता है और पाठ्यक्रम का परीक्षण किया जाता है। इन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से ही विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ देखी जाती हैं, यानी कि यहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमने करिकुलम डेवलप कर लिया, और फिर देखा जाता है कि बच्चों की अचीवमेंट के अंदर कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, बच्चों की मेरिट लिस्ट देखी जाती है और उनको श्रेणियों में निर्धारण किया जाता है। तो ये जो पाठ्यक्रम है इसके उद्देश्यों को व्यवहारिक अर्थों में लिया जाता है, और गतिविधियों उपलब्धियाँ पाठ्यक्रम के संशोधन में अपनी प्रभावपूर्णता दिखाती है। ठीक है जी, अब थर्ड है, थर्ड में क्या होता है, निम्नात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, हमने सुना हो ना फॉर्मेटिव और सबमेटिव इवैल्यूएशन। तो यह निम्नात्मक, इसके अंदर क्या होता है, मूल्यांकन का प्रयोग तब किया जाता है जब पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन साथ के साथ कर दिए जाते हैं, और सर्वथा जो बाकी परिवर्तन है वो अंतिम जो है रूप में उनको दिया जाता है, अंतिम रूप में फिर कुछ परिवर्तन और कर दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम निर्माता जो है सामग्री मूल्यांकन का कार्य स्वयं करते हैं। नंबर एक, दो स्तरों पर किया जाता है, जब पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और जब पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, यानी कि फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है कि जो करिकुलम के अंदर चेंजेस हैं वो साथ साथ कर दिए जाते हैं, और कुछ जो है मूल्यांकन के समय यानी कि जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तब साथ साथ किए जाते हैं। इनको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, एक तो क्या हो गया पाठ्यक्रम जब हमने तैयार कर लिया उस टाइम चेंजेस कर दिए, या फिर जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तब चेंजेस कर दिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन इसे कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव का क्या मतलब हुआ, वह मूल्यांकन तब प्रयोग में लाया जाता है जब पाठ्यक्रम पहले से ही तैयार कर दिया गया हो या इसे लागू किया जाना हो। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, निर्माता के द्वारा नहीं किया जाता। यही शिक्षार्थी की अंतिम उपलब्धि को ध्यान में रखा जाता है, और यह संपूर्ण मूल्यांकन का संकेत है। इस प्रकार क्या है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक के साथ साथ
शिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण को भी आंका जाता है। यानी कि जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या है कि जब हमने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है, उसको लागू कर दिया है, तो उस दौरान हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसे ही संपूर्ण मूल्यांकन की ओर संकेत देता है और इसे आंका जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सबमिटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 टाइप्स की इवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग करिकुलम के अंदर जब संशोधन करते हैं तो इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट होता है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल्स। एक पाठ्यक्रम, अब हम बात करते हैं मॉडल्स की कि मॉडल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेथड करिकुलम। अब ये जो हमारा सबसे पहला हमारा मॉडल है वो है टायलर्स मॉडल। अब क्या बोलते हैं टायलर्स अपने मॉडल के अंदर, या प्रतिमान होते क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मूल्यांकन का जो प्रतिमान है, विभिन्न तत्वों की प्रभावशीलता और कुशलता के मूल्यांकन हेतु निर्मित एक योजना, एक प्लान है, एक योजना बनाई जाती है। किसके लिए? कि जो भी हमारा करिकुलम है वो अप्रोप्रिएट रूप से अप्लाई हो जाए और बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो ये पाठ्यक्रम के कुछ तत्व होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर एक, उसके उद्देश्य हो गया, इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, विषय सामग्री क्या है, शिक्षण टीचिंग मेथड्स कौन कौन सी रहेंगी, और शिक्षार्थी के कार्य का संपादन हो गया, उसका मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रियाएं। यानी कि इसके अंदर हम कौन कौन सब्जेक्ट्स उनको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन सी विषय सामग्री, नंबर 3 हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, फिर हो गया हमारा इवैल्यूएशन मेथड क्या क्या रहेगा, फिर टीचिंग और मेथड क्या क्या रहेंगे, टीचिंग मेथड और कौन कौन से टूल्स और टेक्निक हम लोग यूज करेंगे इसको इवैल्यूएशन करने के लिए। तो ये क्या है, टायलर का मॉडल है। मॉडल के दौरान वो कहते हैं कि अभी टायलर का मॉडल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ उन्होंने बेस बताया कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब टायलर के मॉडल की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब भी हम किसी मॉडल को अप्लाई करेंगे तो हम ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम का जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके अंदर डिस्कवरी हो, सबसे पहले क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, अगर हमारा ये चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं है तो बच्चे इसके अंदर जो है रिसर्च करने की, उसकी खोज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कोई भी आप कर रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट मैटर डाल रहे हैं, कुछ भी मटेरियल डाल रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद है, जब वो इंटरेस्टिंग होगा तो उसके अंदर बच्चों को इस की हैबिट होगी कि वो इंक्वायरी कर सके, कुछ रिसर्च कर सके, कुछ खोज कर सके, कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि वो नई नई चीज़ों की खोज करें। और उससे क्या होगा, खोजपूर्ण और ध्यान अटेंशन जो है उनकी जो है उस पर्टिकुलर कार्य के अंदर लगी रहे। तो ये इसका क्या महत्व है कि शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में उपयुक्त और श्रेष्ठ शोधकर्ता, यानी कि जो भी लोग मॉडल बना रहे हैं, जो भी करिकुलम को फ्रेम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो लोग एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है इस तरह से उसके अंदर मैटर डालें जिससे कि बच्चों के अंदर इंक्वायरी की हैबिट पैदा हो जाए। राइट, तो ये था मॉडल की हमें क्या ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मॉडल बनाए जाते हैं उनकी क्या ज़रूरत है, करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल। अब बात करते हैं टायलर मॉडल के बारे में, उन्होंने अपने विचार क्या प्रस्तुत किए। टायलर ने क्या बोला, कहते हैं कि जब भी हमने मॉडल को फ्रेम करना है, पाठ्यक्रम के जो है पक्ष है उसके दोनों पक्षों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर एक, उद्देश्य हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हो गए, अधिगम अनुभव हो गया, और उपलब्धियों का परीक्षण, यानी कि 3 बातों पर टायलर जो है जोर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। नंबर 1 टायलर के मॉडल में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा, उसके बाद है लर्निंग क्या हो गया हमारा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि जब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव को हमने फुलफिल करना है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं,
बच्चे जो सीख रहे हैं उसकी बात है, उनकी अचीवमेंट, उनका अचीवमेंट जो है टेस्ट कब देगा, यानी कि उनको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट किस बिहाव पे करेंगे, कौन सा मेथड रहेगा, तो इसके ऊपर जो है टाइलर जो है स्ट्रेस देते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बात हुई इसके अंदर कि जब भी हमने मूल्यांकन करना है, करिकुलम का इवैल्यूएशन करना है, तो हमने तीन बातों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना है। नंबर एक क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यानी कि उस करिकुलम को लगाने के हमारा क्या उद्देश्य है, बच्चे क्या क्या सीखेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल होंगे। सेकेंड, अनुभव कौन कौन से उन्हें प्राप्त होंगे, टीचिंग लर्निंग या लर्निंग एक्सपीरियंस उन्हें कौन कौन से मिलेंगे, और फिर वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहे हैं उस दौरान हम उनको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट है, क्या उन्होंने अचीव किया, कितना अचीव किया, इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाएंगे। तो ये है टाइलर का मॉडल। तो वो कहते हैं, टाइलर बोलते हैं कि एक विद्यार्थी और विद्यार्थियों के समूह के जो उपलब्धि स्तर है उसमें मूल्यांकन को प्रयोग किया जाता है और साथ में सहसंबंधों का अध्ययन भी किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इसमें क्या होगा, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, नंबर एक उद्देश्यों का निर्माण करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उद्देश्यों का निर्माण किया, फिर उनका वर्गीकरण किया, साथ में क्या किया, कौन कौन से उद्देश्यों को हमने प्राप्त कर लिया, कौन कौन सी परिस्थितियों में किन किन उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया, और मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी विधियाँ थी, उन विधियों के अंदर हमने कौन कौन से संशोधन किया, और फिर व्याख्या के साधनों का विकास और उपकरणों का क्या परिणाम रहा। ठीक है जी, ये स्टेप्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से इनको आगे जाके फॉलो करना है। टाइलर कहते हैं कि सबसे पहले क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद हम कौन कौन से लर्निंग हमें एक्सपीरियंसेस प्राप्त हुए, एंड देन लास्ट में आएगा हमारा इवैल्यूएशन मोड हमारा क्या रहेगा। तो ये है हमारा टाइलर का मॉडल, जिसमें वो इन सब के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आज